जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन की, जो संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अब तक कम से कम 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। सो हम आज उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कुछ हम सारे के सारे तो 101 संविधान संशोधन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं या हमें पता होने चाहिए, तो हम उनकी संशोधनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। और जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हम ऐसे संविधान संशोधन को इसमें पढ़ने वाले हैं। सो आपको मेरा चैनल कैसा लगा, प्लीज़ 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 फ्रेंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। सो लेट्स बिगिन। संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक किसे कहते हैं? संविधान संशोधन का जो विधेयक पारित होता है तो ये अधिनियम बनने का से पहले का प्रारूप होता है। मतलब जब विधेयक जब अधिनियम बन जाता है तब तो वो लागू हो जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो जाता है जिसमें तो संसद की स्वीकृति और राष्ट्रपति की मंजूरी, मतलब दोनों की स्वीकृति हो जाती है, संसद की भी, लोकसभा राज्यसभा एंड राष्ट्रपति की, तो वो अधिनियम बन जाता है। लेकिन अधिनियम बनने से पहले जो प्रारूप बनाया जाता है उसे हम विधेयक कहते हैं। जब तक उसको मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक वो विधेयक रहता है, उसके बाद में संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। या फिर इसी चीज़ को हम कह सकते हैं, अगर विधेयक संसद में रहता है और राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देता है तो वह विधेयक ही रहेगा। अधिनियम तब बनेगा जब सबकी स्वीकृति होगी, मतलब संसद की भी होगी और राष्ट्रपति की भी होगी। बाय द वे, अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होती है तो वो विधेयक ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं। जैसे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1 जून 1951 को। तो 1 जून 1951 को कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक समीक्षा से दूर किया गया, कि जो भूमि सुधार अधिनियम थे उनके रिगार्डिंग जो 9वीं अनुसूची में, जैसा कि मैंने बताया था 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन, जो 9वीं अनुसूची भी शामिल हुई थी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में शामिल हुई थी संविधान में, तो उसमें जो भूमि सुधार से के रिगार्डिंग था 9वीं अनुसूची में, वो 1 जून 1951 में इसके रिगार्डिंग किया गया था फर्स्ट संविधान संशोधन। और जैसा कि मैंने बताया था कि 10वीं अनुसूची में किसके बारे में है, दल बदल के बारे में, वैसे ही 7वां जो था संविधान संशोधन वो 1956 में हुआ था। भारत के राज्यों की श्रेणियां 4 श्रेणियां की गई थी, क ख ग घ को समाप्त करके, जो पहले हमारे श्रेणियों में विभाजित था भारत के राज्य, उनको समाप्त करके 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो ये कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन, उससे पहले हमारे जो राज्य थे वो श्रेणियों में विभाजित थे। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन भी इसी संविधान संशोधन के दौरान हुआ था। 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर व नगर हवेली को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। जैसा कि मैंने बताया था कि दादर व नगर हवेली को तो 7वां केंद्र शासित प्रदेश था, तो ये 7th था। ये कब बनाया गया था, कौन से संविधान संशोधन में? 10वें में। जो 13वां संविधान संशोधन था 1962, नागालैंड भारत का राज्य बना था। 1962 में अधिनियम पास हो गया था पर नागालैंड राज्य 1963 में बना था, तो ये जो अधिनियम 1962 में ही पास हुआ था लेकिन 63 में नागालैंड बनाया गया था। जो 21वें संविधान संशोधन था 1967 में, संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को शामिल किया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया था भाषा के रिगार्डिंग एक तो ये हुआ था 21वां, उसके बाद में एक और हुआ था, वो कब हुआ था? 51वां था शायद, तो वो भी आएगा, हम आगे देखेंगे।
तो इसके बाद में है 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद मौलिक अधिकारों समेत संविधान में संशोधन कर सकती है। ये चीज़ जो थी कि संसद मौलिक अधिकारों समेत संविधान में संशोधन कर सकती है, पहले ये था कि वो संशोधन नहीं कर सकती है, तो वो 1971 में हुआ था 24वां संविधान संशोधन। 25वां 1971 में ही हुआ था 25वां संविधान संशोधन, मौलिक अधिकारों का नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 39B व C को वरीयता दी गई थी। आगे हम देखते हैं 26वां संविधान संशोधन 1971, ये भी 24वां, 25वां और 26वां तीनों ही 1971 में हुए थे। तेसी रियासतों के राजाओं के प्रीविपस विशेष शक्ति व विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, कि जो राजाओं वगैरह का और देसी रियासतों के पास में तो ये जो विशेष शक्तियाँ थी उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। पहले सहराज्य का दर्जा दिया था 1974 में, और 75 में 36वां संविधान संशोधन में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन, जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुई हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुए थे, बहुत ज़्यादा संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। जैसे कि प्रस्तावना में, जो जैसा कि मैंने जब प्रस्तावना करवाया था उसमें तीन शब्द जो नए जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये तीन शब्द नए जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, मतलब मौलिक कर्तव्यों के बारे में उसके अंदर लिखा गया, मौलिक कर्तव्य डिसाइड हुए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने हेतु बाध्य कर दिया गया। समवर्ती सूची में 5 नए विषय जोड़े गए, जैसा कि मैंने बताया था कि समवर्ती सूची में पहले मूल संविधान से 5 विषय और बढ़ा दिए गए थे, जैसे कि शिक्षा, वन वन्य जीवों का संरक्षण, नाप तोल व बांट, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन और न्यायिक प्रशासन। ये 5 जो थे पहले, ये समवर्ती सूची के विषय नहीं थे पहले। ये कौन सी सूची के विषय थे? राज्य सूची के विषय थे पहले, ये राज्य सूची के विषय थे ये 5ों, लेकिन बाद में इनको समवर्ती सूची में डाल दिया, मतलब इनके ऊपर जो फैसला होगा वो केंद्र और राज्य दोनों का, मतलब दोनों कार्य करेंगे इस पे। फिर अगला हम देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें आर्टिकल 20 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे, ये बात लिखी हुई है 44वें संविधान संशोधन में। जैसा कि मैंने बताया था जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे कि जो 20वां और 21वां होता है ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, और आर्टिकल 19 होता है वो सबसे पहले निलंबित होता है, जैसे कि अब व्यक्ति का, सभा का, विचरण का, ये जो सारे अधिकार हैं जो 19 में, वो 19 आर्टिकल 19 सबसे पहले निलंबित होता है, और 20 21 निलंबित नहीं होंगे आपातकाल में भी। तो ये चीज़ हमने 44वें संविधान संशोधन में चेंज की थी। लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था, जो 5 से 6 वर्ष किया था 42वें संविधान संशोधन में, वो वापस 5 वर्ष कर दिया गया। आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पहले राष्ट्रीय आपात कब लगता था? आंतरिक अशांति, युद्ध और बाह्य आक्रमण पे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब जो है राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध के समय लगता है। आर्टिकल 322 मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, ये बात आर्टिकल 352 के तहत। संसद द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कब चेंज हुई थी? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। फिर 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल कानून में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी।
तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में ही तो है दल बदल कानून, जैसा कि मैंने बताया ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 61वां संविधान संशोधन 1989, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, पहले 21 वर्ष थी फिर 18 वर्ष की थी, संविधान संशोधन 61 में 61 फर्स्ट में। 69वां मतलब 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा व 70 सदस्य विधानसभा का प्रावधान बनाया गया। एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो ये दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब मिला था, 69 मई 1991 में। 70वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली व पुदुचेरी संघीय क्षेत्रीय विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति दी गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें विधानसभाएं भाग लेती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की नहीं लेती हैं, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी को ये अभी अधिकार है कि उनकी जो विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। और ये संशोधन 70वां संशोधन था। 71वां संविधान संशोधन 1992 को 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाओं का समावेश किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जो जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी नमक शॉर्ट फॉर्म में, तो न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है। तो अब कुल भाषाओं की संख्या हो गई थी 18, क्योंकि स्टार्टिंग में थी 14। फिर अब आगे हम देखते हैं 73rd संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो जैसा कि मैंने बताया था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई हैं। सो 11वीं में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया था, 73 में, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 74th जो संविधान संशोधन है 1992, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002, आर्टिकल 21 कह के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जिसे हम RTE एक्ट कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निम्न सदन की 15% होगी। निम्न सदन कौन सा होता है फ्रेंड्स, लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। तो जो निम्न सदन है उसमें मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निम्न सदन की 15% होगी। तो जो मंत्रिपरिषद होगी उनमें से जो निम्न सदन के 15% होंगे वो मंत्रिपरिषद बनेगी। दल बदल कानून को कठोर कर दिया गया। 52वां संविधान संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं सम्मिलित की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, ऐसे करके याद रख सकते हो, ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003। कुल अब 22 भाषा हो गई है वर्तमान में, जो अभी भी 22 ही हैं, मूल संविधान में 14 थी, अब है 93वां संविधान संशोधन 2005, OBC को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, जैसा कि हम देखते हैं SC ST एंड OBC को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण है, तो OBC का कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 93rd 2005, 95th 2010 का जो संविधान संशोधन था, लोकसभा में SC ST व एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया। आगे हम देखते हैं 96th जो संविधान संशोधन था, वो 2011 में हुआ, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो वो भी उसमें भी संशोधन किया जाता है। तो 97th संविधान संशोधन 2011, संविधान में नया भाग 9B, सहकारी समितियों से संबंधित, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित जोड़ा गया। 98th जो संविधान संशोधन था 2013 में हुआ था, कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए आर्टिकल 371G के अंतर्गत। 99वां संविधान संशोधन 2014, NJAC कानून, वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम लागू है,
पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, जो किस संशोधन के तहत किया गया था? 99वां संविधान संशोधन 2014 वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द घोषित कर दिया गया है। और 100वां 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता LBA, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। और 101वां संविधान संशोधन, ये तो हम सब जानते हैं, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, और GST, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम से। तो ये हमारा लास्ट संविधान संशोधन था, 101वां। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो लाइक पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ एनी सजेशन प्लीज़ पुट इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।